हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जो कि गाइस हैप्पी न्यू ईयर 2023 का होने वाला है। तो गाइस, जो जो इस तरह का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया गाइस, तब आप लोग इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे गाइस। तो गाइस, मैं बता दूँ, जो जो पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, फिर से देखिए, मेरा पहला पिक है और मैं कुछ इस तरह से एडिट किया हूँ। देखिए गाइस, देखिए मैं कुछ इस तरह से एडिट किया हूँ। तो गाइस, चलते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ले लेंगे पिक्सेट ऐप के अंदर। गाइस, मैंने अपने पिक्सेट ऐप ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो गाइस, अब हम अपने बैकग्राउंड को लेंगे गाइस, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऑल एल्बम पर क्लिक करेंगे और गैलरी पर क्लिक करेंगे गाइस। हम लोग गैलरी पर क्लिक करने के बाद एल्बम पर क्लिक करेंगे गाइस। और देखिए गाइस, यहाँ पे पिक्सआर्ट है ना, ये कहाँ से आ गया। ऑल एल्बम पर क्लिक करके गैलरी पर जाएंगे गाइस। गैलरी पर जाने के बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं, हम लोग देखिए ये हमारा बैकग्राउंड है, इसको हम लेंगे गाइस। यहाँ पे इसको लेने के बाद गाइस, अब हम लोग इसको करेंगे रिसाइज गाइस। ये नहीं है, और इनको क्लिक करेंगे और गाइस अपना बैकग्राउंड ले लेंगे। देखिए ये हमारा बैकग्राउंड, इसको हम लोग ले लेंगे। और गाइस टूल्स, देखिए अब टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फोटो को कर लेंगे बैकग्राउंड को कर लेंगे हम लोग रिसाइज। तो गाइस, फोटो को रिसाइज कर लेते हैं, 3000 करेंगे। तो 3000 हो गया गाइस, हो गया यहाँ पे। तो गाइस देखिए, अपने पिक को ऐड करेंगे, जो कि मैं बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड इरेजर करके रखा हूँ गाइस, वो पिक को हम लोग ऐड करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड इरेजर नहीं करने आता है तो मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए गाइस। देखिए यार, हमें चलो इसको हम लोग करेंगे लेंगे और इसको गाइस अच्छे से एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद गाइस देखिए, हमारा फोटो रूम का लोगो आ रहा है, इसको हम लोग डिलीट करेंगे, यहाँ पे इरेजर करेंगे। तो गाइस, इरेजर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हार्डनेस हाई रखिएगा, इसको कर लेंगे इरेजर ऐसे करके, और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे इसको गाइस। तो गाइस, इतना होने के बाद ना गाइस, अब हम लोग जो नीचे है ना गाइस, इसको हम यहाँ पे शैडो लगाएंगे। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, मैं सब बैकग्राउंड का लिंक और PNG सब यूज़ कर रहा हूँ ना गाइस, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। देखिए हमारा शैडो कहाँ है, देखिए गाइस ये रहा हमारा शैडो, इसको हम लोग लेंगे गाइस। यहाँ पे लेने के बाद गाइस देखिए, ब्लेंड वाला ऑप्शन पे जाएंगे और करेंगे इसको मल्टीप्लाई। इतना होने के बाद गाइस, इसको नीचे ले आएंगे और इसे एडजस्ट कर देंगे। इतना होने के बाद देखिए, ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन भी दिख रहा है गाइस, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, इरेजर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, हार्नेस को आप इसी को हार्नेस को माइनस रखिएगा और इसे करके आप लोग थोड़ा पैर पर से इरेज करिएगा गाइस, ऐसे करके आप लोग इरेज करिएगा गाइस। इतना होने के बाद गाइस, फोटो कर देंगे हम लोग डन, राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो कर देंगे डन। अब हम लोग 2023 है ना, वो लगाएंगे तो ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और देखिए गाइस, यहाँ पर 2023 है, इसको हम लेंगे। मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर लेंगे इसको और इसको करेंगे हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको हम लोग करेंगे डन। इतना होने के बाद गाइस, फोटो करेंगे डन। अब गाइस देखिए, वो हमारा गिफ्ट था ना, गिफ्ट लगाएंगे गाइस यहाँ पे और गाइस यहाँ पे। तो गाइस ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारा गिफ्ट है ना, गिफ्ट पे क्लिक करेंगे और गाइस इसको हम लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, और इसको डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको करेंगे हम लोग डन। अब ऐड फोटो पे जाएंगे गाइस, अब देखिए शैडो लगाना है तो ऐड फोटो पे जाकर जो हमें शैडो लगाया था वो यहाँ पे लगाएंगे गाइस, तो हम लोग लगा लेते हैं आराम से। तो गाइस, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अपने आप समझ में आएगा। अभी मैं एडजस्ट करूँगा फोटो को। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
और गाइस यहाँ पे देखिए ऐसे करके डुप्लीकेट और लेयर बना लेंगे, और यहाँ पे करके अपोजिट को माइनस रखेंगे, अपोजिट को और माइनस रखेंगे, और इसको भी अपोजिट माइनस रखेंगे, ऐसे करके माइनस रखेंगे, इसको कर देंगे फोटो को राइट, राइट का राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो कर देंगे डन। इतना आने के बाद गए अब हम लोग फोटो को एडजस्ट करेंगे, तो टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एडजस्ट लिख रहेगा दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ब्राइटनेस को माइनस रखिएगा, कंट्रास्ट को हाई रखिएगा, क्लियरिटी को भी हाई रखिएगा, सिचुएशन को माइनस, हाईलाइट्स को भी माइनस, शैडो को प्लस। इतना होने के बाद गाइस फोटो कर देंगे डन। अब गाइस इतना होने के बाद अब चलते हैं हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, तो गाइस फोटो को पहले सेव कर लेते हैं, गाइस फोटो सेव कर लेते हैं, गाइस फोटो हमारा सेव हो। तो गाइस मैं अपना लाइट रूम ऐप ओपन कर लिया हूँ यहाँ पे, तो गाइस मैं फोटो ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे और देखिए गाइस मेरा फर्स्ट में पिक है, इसको हम लेंगे इस यहाँ पर। देखिए मैं शेयर किया था पिक्सार से लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, तो गाइस यहाँ से मैं हम लोग एडिट करेंगे। तो देखिए गाइस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और एक्सपोजर को माइनस और कंट्रास्ट को हाई कर दीजिएगा और हाईलाइट्स को माइनस और शैडो को हाई। इतना होने के बाद गाइस वाइट्स को है ना वाइट्स को भी प्लस कीजिएगा, ब्लैक को माइनस। इतना होने के बाद फोटो कर देंगे। अब कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस मिक्स पर जाएंगे और गाइस देखिए तो जो हमारा है पीला कलर लेंगे, इसको हम लोग दोनों को माइनस रखिएगा, पीला है जो इसको थोड़ा सा हाई कीजिएगा। इतना होने के बाद गए इतना होने के बाद गैस इतने होने के बाद देखिए ये सेकंड वाले ऑप्शन है ना, इसको हम लेंगे ऐसे करके, इसको करेंगे थोड़ा ह्यू को थोड़ा माइनस करेंगे और सिचुएशन है सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे और इसको थोड़ा सा प्लस करेंगे। इतना होने के बाद इस फोटो को बना देखिए जो हमारा पैंट है ना पैंट को हम लोग कलर चेंज करेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस इस वाले पे एक दो तीन चार पाँच छठे वाले ऑप्शन पे जाएंगे और गाइस देखिए ह्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे और सिचुएशन को फुल। इतना होने के बाद गाइस थोड़ा सा फुल कीजिए ज़्यादा नहीं, इतना होने के बाद इस फोटो कर देंगे डन। इतना होने के बाद गाइस अब हम लोग जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, तो इस यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है ना टेम्प को हाई करेंगे और टीन को जो माइनस करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, वाइब्रेशन को हाई करेंगे, हाई नहीं माइनस करेंगे इस यहाँ पे और सिचुएशन को हाई करेंगे। इतना अनुवाइज फोटो कर देंगे डन। इतना अनुवाइज गाइस सेकंड लाइट वाला ऑप्शन पे आएंगे और गाइस देखिए कर्व है ना कर्व पे क्लिक करेंगे हम लोग और देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग यहाँ से लेकर गड़बड़ हो गया ना। इतना होने के बाद ये देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इसको हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे। देखिए आप स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा यहाँ से यहाँ से रखते हैं, इसको है ना इसको भी हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे। देखिए नीचे लाएंगे थोड़ा सा, देखिए ग्रीन है ग्रीन को भी अरे यार देखिए इतना रखिए आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिक है गाइस। इसको भी ले आएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। देखिए इतना होने बाद गाइस फोटो कर देंगे ना। देखिए आप लोग नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा इस कमेंट कीजिएगा, इसके हमको समझ में नहीं आ रहा फिर से आप लोग मतलब आप लोग के पास कंटेक्ट करेंगे इस हम। तो इतना होने के बाद फोटो कर देंगे डन। देखिए इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग और क्लियरिटी को हाई करेंगे थोड़ा सा और विग्नेट को माइनस। इतना होने के बाद गाइस टेक्सचर को हाई और डिटेल वाला ऑप्शन पे जाएंगे और शार्पनिंग को हाई कर दीजिए। बस इतना ही करना है। देखिए पहले मेरा फोटो कैसा है। तो गाइस जो जो भाई लोग को वीडियो अच्छा लगा एक कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और जो जो भाई लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन करके ऑल पर प्रेस कीजिएगा। और गाइस आप लोगों मतलब मेरा कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी मतलब लिख सकते हो गाइस कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों के पास कंटेक्ट करूँगा मैं और आप लोगों को समझाऊँगा। तो थैंक यू सो मच।